सतना के 70 साल पुराने नारायण तालाब की मेड़ टूटने से हवाई पट्टी मार्ग पर स्थित उतैली और आसपास की कॉलोनियों में पानी भर गया, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। मंगलवार दोपहर हुई इस घटना में कई घरों में रखा सामान नष्ट हो गया, कार और बाइकें डूब गईं और लोगों की जान पर बनाई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि तालाब का सौंदर्यीकरण कर रही ठेकेदार कंपनी की लापरवाही से यह हादसा हुआ। पानी का बहाव तेज होने के बावजूद समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए। नारायण तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य पिछले 2 साल से चल रहा है, जिसमें अब तक 70% काम पूरा हो चुका है। प्रभावित इलाकों में एमराल्ड ग्रीन कॉलोनी वार्ड नंबर 22 नारायण तालाब के पास बसे झुग्गी झोपड़ी भी शामिल है, जहां घरों में पानी भर गया। लोकल टीम को जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 1000 घर प्रभावित हुए हैं। नाम मनीष चौरसिया, वार्ड नंबर 22। यहां पानी ऐसा भर गया था, आप चल के देख सकते हैं यहां कितना कितना हम लोग निकाले थे। आइए 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 आइए, गला पानी सब भीग गया है पूरा, सब पलंग वर्म सब में पानी भर गया है, कपड़े सब खराब हो गए पूरे। कम 3 घंटे से हम लोग पानी बाहर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी अंदर पानी भरा हुआ है और इतना सारा सामान हम लोग और उठा के कुछ ऊपर रखे हैं, कमर तक पूरा पानी भरा हुआ था। कमर हो गई है सारे, इतना कमर में नुकसान हुई है कि कुछ खाने के लिए नहीं, गल्ला सब गल्ला जितना कपड़ा पैसा कभी जो थोड़ा 10-20 रहा सब नष्ट हो गया पूरा। कितना तो बाई के चला, सब बाई गए हैं, कितने बर्तन सामान नुकसान ये नहीं है कि गल्ला पानी पूरा गीला हो गया। 1-2 क्विंटल गेहूँ रखा रहा है, 4 क्विंटल चावल रखे रहने सब सत्यानाश हो गया है और पूरा आधे कमर से पानी भरा रहा है। हमारा आटा बहा गया, हमारे गेहूँ बींज गए, गेहूँ गीले हो गए सो ओहू बहा गए, खाना रोटी धरी थी सो ओहू बहा गई ओहू भींज गई और सारे कपड़ा भींज गए। हम कम से कम 3 घंटा से निकाल लें, नुकसान तो जो गृहस्थी में है तो सो सबई भाव है गया, जो गृहस्थी में जो रे जा रहे धरे थे सो सबई चलोगा, खाने पीने का सामान सब चला गया। देख लीजिए अपना अंदर ही घुस के देख सकते हैं, अंदर ही के कमरा में भरो जो तो कर निकाले या है पानी ओहू में भरा धरा रहा था, ओहू में से पानी निकाले। हम 3-4 घंटे से लगातार पानी निकाल रहे हैं, लेकिन पानी निकलने के पीछे से मैं फोड़ा हूँ कमरा, जब पानी निकला पीछे से पूरा पूरा निकला हुआ पानी, इतना पानी कनिया से पानी भर गया पूरा। मेरा राशन का सामान हो देखिए, राई आई सब गेहूँ सब उतराया अभी उतराया हुआ हुआ। मैं उतैली में रहता हूँ और बाकी आज की कंडीशन किसी को मेरे ख्याल से सतना में अधिकांश लोगों को मतलब पूरे सतना को पता चली गई होगी। और ये सीधा सीधा सोची समझी चाल के तहत वहाँ पे पानी नारायण तालाब पूरा भरा हुआ था, बोले कि पानी निकलवाने के लिए तो ऐसा तोड़ा गया। अरे अगर आपको तोड़वाना था तो पहले से आप प्लानिंग करते कि कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है, आपने सीधा तोड़वा दिया जेसीबी लगा के और बोल रहे कि वो अपने से ही टूटा है, ऐसे अपने से कैसे टूट जाएगा एक बात बताइए। ये टोटल निगम्मी सरकार का और यहाँ के महापौर भैया पैसे तो मिल गए हैं, स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने का सहूर नहीं, 1000-1000 करोड़ रुपए आया पैसा सब खा गया। अब लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? हमारे यहाँ कम से कम 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ कौन करेगा? मांग क्या हमारे यहाँ की भरपाई की जाए, जो हमारा सामान खराब हुआ उस सामान की हमारी भरपाई की जाए। सीधी सी बात है, हमारा भैया तिनका जोड़ के आदमी खून पसीना एक करके एक एक जोड़ के पूरा सामान इकट्ठा करता है, वो नुकसान हुआ है सिर्फ इनकी, ऐसे सरकार और ऐसे महापौर जो बैठे हैं सतना में बिना सोचे कि बोल दिया भैया जाओ ये चीज है वो तोड़ दो, बस जेसीबी लेके आ गए तोड़ने, ये नहीं सोचना कि कहाँ जाएगा पानी कहाँ नहीं जाएगा। लोगों की कारें बह गई, घर बह गया, मरते मरते बचे हैं, कितने लोग बह गए, कितनी गाड़ियां बह गई हैं। राजेंद्र सिंह उतैली, देखिए यहाँ की स्थिति, पूरा हमारा राशन 2 क्विंटल गेहूँ 1 क्विंटल चावल पूरा दाल आप 50 किलो दाल 15 लीटर तेल का डिब्बा सब उतरा के सब बह गए पूरा पूरा, इतना इतना क्षति हुई पूरे गद्दा कम पूरा पूरे कपड़े पूरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स सब पानी में भीग करके नष्ट हो गया। सरकार से मांग रहे हैं कि इसका आप उनकी प्रशासन की गलती है उसके मुआवजा दें। पूरी मशीनें पेंटिंग की डूब गई हैं, गाड़ियों वगैरह में पूरा पानी भरा था, ये घर पूरा घर और में सब तरह पानी में भरा था, वाकिन लोग के घर में सब तरह पानी भरा था, नुकसान बहुत हो गया है, मगर इसका कोई हर्जाना अगर शासन द्वारा कुछ प्राप्त हो तो इस मशीन का पूरा कार्यक्रम दे। नुकसान कम से कम ये 13-14 लाख की मशीन है पेंट बूथ, इसमें कलर हम लोग मारते हैं, इसके कारण पूरा ये सब कुछ खत्म। प्रशासन ने सर्वे कराकर मुआवजा देने की बात कही है,
लेकिन स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे इस विपदा के समाधान की मांग कर रहे हैं। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।